नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, जिस किसी से भी सीख रहे हैं आप। जैसा रिस्पांस करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर मुझे आपके बताने से गाइडेंस मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है मेरा, प्रश्न रहता है सर कि सर मैं जब बांसुरी बजाता हूँ स्टार्टिंग में, बांसुरी जब मैं सीख रहा होता हूँ तो मेरी बांसुरी के अंदर एयर ही साउंड आता है, यानी कि फूक का साउंड आता रहता है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको कोई रामबाण बताने वाला नहीं हूँ कि एक सेकंड में आपकी बांसुरी से आवाज़ अच्छी आने लग जाएगी, ये सारा गेम होता है प्रैक्टिस का। सच बात बोलने से अगर आपको मेरे चैनल पर रुकना है तभी आप रुकिए, आपको मेरे चैनल पर 1% का भी मिसगाइड नहीं किया जाएगा। जो भी चीज़ें मैं बताता जेन्युइनली बताता हूँ जो संभव है, पॉसिबल है। हाँ, मैंने अभी बोला कि आपकी जो फूंक है वो सही हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, लेकिन एक मिनट में नहीं हो सकती है। उसको करने के लिए आपको लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा। एक हफ्ते में आपकी फूंक जो होगी एटलीस्ट सरगम बजाने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है, अगर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप मिसगाइड होकर आप उसको महीने भर बजाते रहेंगे, नहीं बजेगा। लेकिन अगर सही प्रैक्टिस सही मार्गदर्शन के साथ में को बजाएंगे, बिल्कुल बजेगी और सही बजेगी। अब मैं आपको कई बार इसके लिए वीडियो स्पेशल बना भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि प्रैक्टिस किस तरीके से फूंक मारी जाती है। आज मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, और जो भी मेरे तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं मुझे लगता है कि ये काम आ सकता है, सो आप उसको भी अपना सकते हैं। जो मेरी पहली और प्रायोरिटी ट्रिक रहती है फूंक मारने के केस में, यानी कि ब्लोइंग के केस में, वो ये रहती है कि बांसुरी को मिरर के सामने बजाया जाए, यानी कि बांसुरी को मिरर के सामने रख करके अपनी फिंगर जो अपना लिप है उसके सेंटर, नीचे वाले लिप के सेंटर पार्ट को इसकी बाउंड्री लाइन से मध्य भाग से अटैच करके रखना चाहिए, कुछ इस तरीके से। देखिए ब्लोइंग परफेक्ट जा रहा है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। अब देखिए मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मेरे सामने यदि कोई नई बांसुरी आएगी तो मेरा भी 1 से 2 मिनट लगेगा उसको एडजस्ट करने में। क्यों? क्योंकि नई बांसुरी की हमारे होंठों को प्लेसमेंट याद नहीं होती है। एक्चुअल में जिस बांसुरी पर हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, उसकी प्लेसमेंट हमें याद हो जाती है, और जब भी हम बांसुरी बजाते हैं तो हम आँख बंद करके भी उसको प्ले कर लेते हैं, आँख बंद करके भी उसकी लिप की पोजिशन को करेक्ट कर पाते हैं। सो ये एक बहुत प्रायोरिटी रीज़न है कि आप अपनी जो ब्लोइंग है, फर्स्ट ट्रिक यही है कि आप मिरर के सामने अपने नीचे वाले होंठ के सेंटर भाग को इसकी बाउंड्री लाइन पर रख के बजाइए। दूसरी ट्रिक ये रहती है कि आपको, जैसे कि आपके सामने मिरर उपलब्ध नहीं है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सो आपको ये वाला जो हिस्सा है इसको अपने होंठों की तरफ ऐसे करना है और ऐसे देखना है, और ऐसे करके अपने होंठों के मध्य भाग में लेके आना है, ऐसे ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे कर देना, ठीक है, हो गया। फूंक मारेंगे, फूंक जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये भी नहीं होता है, एक्चुअल में होता ये भी नहीं है। अभी मेरे होठों को पोजीशन याद है इसीलिए ये संभव हो पा रहा है, और ये इसीलिए बज रही है बांसुरी मेरे से भी। लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज पर होते हैं, आरंभिक स्तर पर होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी बांसुरी से फूंक जा ही नहीं रही है, मेरी बांसुरी में फूंक जा ही नहीं रही है। उसका कारण ये है कि आपके होठों को पोजीशन याद नहीं होती कि बांसुरी पर होठों की पोजीशन क्या है। कुछ समय बाद, यानी कि रोज़ आप 1-2 घंटा उसको ट्राई कर रहे हैं, उसको लगातार रोज़ बजा रहे हैं, एक बार जब आपका बांसुरी में सही साउंड निकलता है तब आप ट्राई करते हैं कि उसको ज़्यादा देर तक प्लेस करके रख सकें उस जगह पर। समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपका जब बांसुरी में फूंक अच्छे से निकलता है, यानी कि ऐसे करके आ रहा होता है, मतलब 10 बार आपने इधर उधर करके लगाया और एक बार आपका सेट हो गया, तो आप ट्राई करते हैं कि उस जो स्टेबिलिटी है उसको बना के रखें, यानी कि अगर नोट सही बज रहा है तो उसको हिलने ना दें। और यही प्रैक्टिस, यही चीज़ आप ट्राई करते रहिए बार बार बार, आपके होंठों को आपकी जो इसकी पोजीशन है वो याद हो जाएगी। एक टाइम पर आपको आँख बंद करके आप बिल्कुल उठा के ऐसे करके बजा पाओगे। सो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये एक बेसिक चीज़ है, धीरे धीरे करके आती है। ट्रिक्स यही रहती हैं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं रहती है इसकी बेसिकली। और जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस बताई, अगर नहीं हो रहा है तो आरंभिक समय में वो प्रैक्टिस कीजिए, 7 दिन के अंदर आपको पर्टिकुलर एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इन ट्रिक्स के माध्यम से। यदि आपसे नहीं बज रही है, अगर इनके हिसाब से करके बजा रहे हो नहीं बज रही, तब आप इन ट्रिक को फॉलो कीजिए, बिल्कुल अच्छा
आपको मिलेगा। और अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी 49 वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोनों में आपको जैसा अच्छा लगता है उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। सो उसमें बात उसके ऊपर करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि चैनल पर अगर मेरी बात समझ में नहीं आई है तो क्या बात समझ में नहीं आई है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।